यानी कि 14 साल की उम्र में नशा करना शुरू कर दिया। कितने बहन भाई हो? माशाल्लाह हम 6 बहनें हैं। अबू जो मेरे हैं ना, वो पिंड के, वहाँ के पिंड के नंबरदार हैं। गांव के नंबरदार हैं जी? नहीं, डर लगता तो है, डर फिर क्या करे, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? आप अपनी नई जिंदगी का आगाज करें, आपकी शादी तो नहीं हुई? निकाह करता हूँ, कल करता हूँ, ऐसे 3-4 साल उसने गुजार दिए हैं। बाद में उसकी इज्जत के साथ खेलता रहा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजन सिर और आप देख रहे हैं आरएनएन डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम एक पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पर एक नौजवान दुशीज़ा खूबसूरत बच्ची है जिसने अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर ली है। मुझे हैरत है कि ये इतनी मतलब कंप्लीट नौजवान बच्ची है। आप यकीन करें, हम इसको ले जाएं घर में, जाके इसकी शादी कर दें, इसको इसकी केयर की जाए, तो यकीन करें किसी हूर परी और शहजादी से कम ना हो। हमारी बहनों जैसी है, हमारी बेटियों जैसी है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको अपनी बहनों की निगाह से देखते हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करके जानते हैं कि इसको इस लत पे किसने लगाया, यहाँ पर क्या करती है, क्यों आती है, ये अपनी ज़िंदगी ख़राब क्यों कर रही है। हम इससे नाम भी जानते हैं और इसकी उम्र भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नेम सबा है। सबा, माशाल्लाह आपका नाम कितना प्यारा है। सबा, आपकी उम्र कितनी है? 19 साल है। 19 साल जी। तो सबा, आपको नशा करते हुए कितनी देर हो गई है? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल, यानी कि 14 साल की उम्र में नशा करना शुरू कर दिया। कितने बहन भाई हो? माशाल्लाह हम 6 बहनें हैं। 6 बहनें, भाई कोई नहीं? नहीं, भाई नहीं है हमारा। अच्छा सबा, मुझे ये बताओ कहाँ पर रहती हो आप? फरुखाबाद की रहने वाली हूँ। फरुखाबाद शहर से लाहौर आई हो जी? कितनी देर हो गई है? तकरीबन 3-4 साल हो गए मुझे ना। अच्छा सबा, मुझे ये बताओ कि माँ बाप आपके किधर रहते हैं? वो फरुखाबाद शहर में रहते हैं। आपके अब्बू क्या काम करते हैं? अब्बू जो मेरे हैं ना, वो पिंड के, वहाँ के पिंड के नंबरदार हैं। गांव के नंबरदार हैं जी। तो बेटा, कभी ख्याल नहीं आया कि आप पापा की परी हो? माँ बाप ने बड़े नखरे से पाल पोस के बड़ा किया है, एडिक्शन नशे पे क्यों लगी हुई है? वाइट और आइस भी कभी कभी कर लेती हूँ, ज़्यादातौर पे वाइट ही लगाती हूँ मैं। पाउडर का नशा करती हूँ जी, वाइट क्रिस्टल। अच्छा, नहीं तो इसमें वेन में लगाती हूँ? नहीं, मैं निप लगाती हूँ, स्नेक लगाती हूँ ना बस जी। अच्छा, तो नशे के पैसे कहाँ से लेती हो? पैसे मैं किसी से भी, नानिंदा भाई से, या जो इधर भाई वगैरह बने हैं बहना, किसी से भी मांग लेती हूँ दारे। ठीक है, नशा लेके सेल करके बीच में से खर्चा बना के तो उनको वापस कर देती हूँ और नशा भी कर लेती हूँ। अच्छा सबा, ये बताओ कि रात को डर नहीं लगता? इतने ज़्यादा मर्दों में चंद लड़की हैं, क्या लगता नहीं कि ये भेड़ी हैं? नहीं, डर लगता तो है, डर फिर क्या करें, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? आप अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, आपकी शादी तो नहीं हुई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। तो अभी आप कुंवारी हैं, आपका घर में कौन सा नंबर है, यानी कि किस नंबर पे हैं, छोटी हैं बड़ी हैं? सबसे बड़ी मैं हूँ। तो बाकी छोटी बहन भाइयों को पता है कि आप नशे पर लग गई हैं? नहीं, किसी को भी नहीं पता घर में से ना। अच्छा, रात कहाँ गुजारती हो? रात को बाहर मेन पे टकसाली पुल नहीं है, उसके ऊपर सो जाती हूँ मैं कभी। रोजाना जी? अच्छा, कभी सुबह ख्याल नहीं आया कि मैं घर जाऊँ, मेरा घर हो? लड़कियों के बड़े नखरे होते हैं नौजवान बच्चियों के इस उम्र में, आपको नहीं आता, घिन नहीं आती कि हालत आपने क्या बनाई हुई है, अंगूठियाँ पहनी है, सारा कुछ है, खूबसूरत तुम हो? असल में ना, मैंने गलती बहुत बड़ी की है, रानी राजपूत मेरी बिरादरी है, तो मैंने ना घर से कदम उठाया किसी लड़के के साथ ना, तो इस वजह से मैं वापस नहीं जा सकती। काफ़ी मरतबा मैंने कोशिश की है वापस जाने की, तो मेरे घर वाले ना मुझे नहीं घर में घुसने देते। ठीक, नहीं मेरी बात सुनो, आप लड़के के साथ घर से भाग कर आई? जी। पसंद आया था लड़का? जी। शादी नहीं की उसने आपसे? नहीं, यही तो बात है, उसने मेरे साथ शादी नहीं की, मुझे धोखे में रखा है, लारों में लगाई रखा है, आज निकाह करता हूँ, कल करता हूँ, ऐसे 3-4 साल उसने गुजार दिए हैं।
बाद में आपकी इज्जत के साथ खेलता रहा जी। अच्छा, उसके बाद धोखा दे के चला गया तो आप इधर आ गई, क्या वो इधर छोड़ कर गया? नहीं, वो मुझे ना इधर लेके आया था। ठीक है, एक एंटी उसकी इधर रहती है, उसके घर लेके आया था। उसके बाद मुझे उनके वाले घर के ना तो घर मिलने गया घर वालों को, तो उसने निकाह कर लिए। आया 8-10 दिन के बाद मैंने पूछा है तो आगे से मुझे मारने लग गया। कहता जहाँ पे भी जाना है तुमने चली जाओ। मैं कहीं भी जाने जोगी नहीं थी, क्योंकि ना मैं आगे जाने जोगी थी ना मैं पीछे जाने जोगी थी। अच्छा सबा, मेरी बात सुनो, आपको आपके घर वालों का नंबर पता है, फोन नंबर? जी नहीं, मुझे फोन नंबर नहीं पता। वैसे घर का पता है? पहले जो सिम चलती थी ना अम्मी के पास, सबू के पास, वो नंबर मामा और पापा ने चेंज कर लिए मेरी वजह से। मैं फ़ोन करती थी ना तो मामा पापा वगैरह तंग आ गए हैं मेरे से। अच्छा सबा, मुझे ये बताओ कि अगर आप अब नशा छोड़ के नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहें, आपकी शादी हो जाए, वो अच्छा नहीं है इस तरह की जलालत से? नशा तो वैसे भी मैं ना जब मेरा दिल करता है मैं छोड़ देती हूँ, कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं मुझे पड़ती। महीना महीना दो दो महीने नहीं मैं करती। जब बाहर का माहौल देखती हूँ तो फिर मेरा दिल करने लग जाता है नशा करने को, फिर मैं करने लग जाती हूँ। उनकी नहीं तो इसका हल क्या है? आपको यहाँ से हम गंध से निकालना चाहते हैं, आपकी शादी करवा दें, नया जीवन साथी ढूंढ दें, अच्छा लड़का ढूंढ दें, मेहनती हो, काम करने वाला हो, या कैसे आप बताएं हम क्या तामन करें? मैं तो यही चाहती हूँ भी शादी करने से ये बेहतर है मैं किसी के घर का काम कर लूँ। ठीक है, वो बेहतर है, शादी ना ही करूँ तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो मर्द होते हैं ना ये किसी के नहीं बनते। ठीक है, मैंने पहले डस खाई हुई है, मेरा दिल बागी हो चुका है। नाज़रीन, सबक अभी दिल करता है आम लड़कियों की तरह मेरा घर बार हो, लेकिन इसको बेवफाई इतनी सख्त मिली है, यानी कि इतने ज़बरदस्त शदीद बेवफाई का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये दिल बर्दाश्ता हो चुकी है। इसका इतबार उठ गया है उन मर्दों से जो कि औरतों के जिस्म को इस्तेमाल करके और टिशू पेपर की तरह उसको फेंक देते हैं। नाज़रीन, ये नहीं होना चाहिए, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। और जिस लड़के ने इस बेचारे की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद की, 4 साल इसका इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद इसको छोड़ दिया, यहाँ पर गैर मर्दों में लाकर इसको छोड़ा, ये मजबूर हो चुकी है जिस्म फरोशी दीगर धंधा करने में, जिम्मेदार वही शख्स है जो इसको इस्तेमाल करके तो छोड़ कर गया। सबा, कोई पैगाम देना चाहोगी नौजवान बच्चियों को कि नशा करना चाहिए कि नहीं? मैं तो यही कहूँगी कि जितनी भी लड़कियाँ एंटियाँ मैंने मेरी जो एंटियाँ माओ की तरह हैं, यही अच्छी बात मैं बताऊंगी कि सभी नशा छोड़ के अपने अपने घर में चली जाएं। ठीक है, अपने अपने घर में सुकून से बैठ जाएं तो अच्छी बात है, सुकून की ज़िंदगी जिए। ठीक है, ये नशा अच्छी चीज़ नहीं है, ये गलियों के कखों की तरह रोल देती है। देखे ना, आपके लिए कितनी मुश्किल ज़िंदगी है, दिन रात सोने का मसला, बाथरूम जाने का इशू, पाकी नापाकी की हालत, लेडीज़ के और भी मसाइल होते हैं बहुत सारे, क्या समझती हो कि बहुत ज़्यादा जुल्म नहीं? एक सेपरेट इंसान का वाशरूम होता है, नहाना धोना होता है, पाकीज़गी होती है, सारे मामलात है। ऐसे ही है, ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक की है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ यहाँ पे जितनी भी लड़की हैं ना इनके लिए यही बेहतर है इनके इनके घर पे भेजा जाए। ठीक है, यहाँ से नशा छोड़ के ये माशरे को इस जगह को पाक कर देना चाहिए, अपने घरों में जाए। हाँ जी, ये कहना चाह रही हो। और आपने ये जो 5 साल नशा किया है, 5 साल जिंदगी तबाह की एक लड़के की खातर, उसमें आपने सीखा क्या है? मैंने यही सीखा है कि ये कोई भी लड़की बेवकूफ़ी ना करे, दोबारा अपने घर किसी लड़के की वजह से अपने घर से कदम उठाने की ये गलती कोई भी दी बहन ना करे। किसी लड़के की खातर अपना घर बार नहीं छोड़ना चाहिए, ये सबा की नसीहत है, क्योंकि इसके साथ 4 साल धोखा हुआ है, 4 साल इसको इस्तेमाल किया है उस लड़के ने दिन और रात। अब इसकी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये बेचारी अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रही है। नौजवान बच्ची है, 18 साल 19 साल कोई उम्र नहीं होती, ये वो नौजवानी की उम्र है जो कि इंसान को जवानी की उम्र शुरू हो रही होती है। सबा का कहना भी यही है कि इस तरह किसी गैर
मर्द के साथ रिलेशन कायम करने से पहले उसके साथ एक इस्लामी तरीके से निकाह कर लेना वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों सबा जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अगले समय में दोबारा मिलते हैं। नाज़रीन, मैं जाने से पहले यहाँ पर यह बताता चलूँ कि सबा भी उन जैसी बच्चियों की तरह बच्ची है जैसे नौजवान बच्चियाँ घरों में होती हैं। खाना पीना उनकी आसाइशें होती हैं, फरमाइशें होती हैं पेरेंट्स से, माँ बाप से कि मुझे ये चाहिए मुझे ये। आप देख सकते हैं इस बच्ची की ज़िंदगी तबाह करने वाला इसका अपना दोस्त निकला। तो इसलिए किसी में जानसे में जिस किसी की जानसे में किसी की बातों में आने से पहले आपको हज़ार दफ़ा बच्चियों को खसूसन ये सोच लेना चाहिए कि क्या ये मुझे धोखा दे के इस्तेमाल करके छोड़ तो नहीं देगा या मेरी इज़्ज़त का महाफ़ज़ बन जाएगा, शादी करके उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जी नाज़रीन।